आज के वीडियो में हम आपको बनारस के प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराएंगे। बनारस को महादेव की नगरी कहते हैं और यहाँ पर भगवान शिव का काशी विश्वनाथ मंदिर है। बनारस में हर घर हर गली में मंदिर हैं, पर आज के वीडियो में हम आपको बनारस के कुछ प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराएंगे। अगर इस वीडियो में हमसे कोई मंदिर छूट गया है तो आपसे निवेदन है कि आप प्लीज कमेंट्स में उस मंदिर का नाम अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के वीडियो को। सबसे पहले दर्शन करते हैं काल भैरव मंदिर के। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। कहते हैं कि बनारस में कोई भी काम काल भैरव की अनुमति के बिना नहीं होता। बनारस की यात्रा काल भैरव के दर्शन के बिना अधूरी है। श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर से पहले काल भैरव जी के दर्शन करते हैं। बनारस की ये गलियां हमें काल भैरव के मंदिर तक ले जाती हैं। यहाँ पर काफी सजावट करी हुई है और दीवारों पर बहुत सुंदर चित्रकारी भी करी हुई है। काल भैरव भगवान शिव के रौद्र रूप को दर्शाते हैं। जब ब्रह्मा जी के पांचवें सिर ने भगवान शिव के लिए अप्रिय शब्दों का प्रयोग किया, तब काल भैरव भगवान शिव के अंश के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का पांचवा सिर काट दिया। इसके प्रायश्चित के लिए काल भैरव काशी आए और तब से यहां बस गए। ये हैं काल भैरव जी के अत्यंत सुंदर दर्शन। काशी महादेव की नगरी है और यहाँ पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो कि स्वयंभू है। काशी को दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी माना जाता है और जितनी पुरानी है काशी उतना ही पुराना है ये काशी विश्वनाथ मंदिर। कैलाश जाने से पहले भगवान शिव काशी में निवास करते थे। मंदिर के ऊपर आप स्वर्ण शिखर और स्वर्ण ध्वज देख सकते हैं, जो कि मंदिर की सुंदरता को और बढ़ाता है। वर्तमान में जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था और वर्तमान की सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और यहाँ पर एक गोल्डन कॉरिडोर बनवाया। विश्वनाथ मंदिर बनारस में गंगा जी के तट पर स्थित है। श्रद्धालु गंगा जी में स्नान करने के बाद विश्वनाथ मंदिर आते हैं और यहाँ पर शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते हैं। और ये हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के अत्यंत सुंदर दर्शन। यह है बनारस का तुलसी मानस मंदिर, जो कि भगवान राम को समर्पित है। ये वही स्थान है जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी थी। वाल्मीकि जी ने रामायण को संस्कृत में लिखा था। संस्कृत में होने की वजह से रामायण का सार संपूर्ण जगत तक नहीं पहुंच पा रहा था। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस स्थान पर रामायण को अवधी भाषा में लिखा और रामचरितमानस की रचना करी। इस मंदिर में दो तल हैं। निचले तल पर भगवान की देवी देवताओं की मूर्तियां हैं।
और मंदिर के ऊपरी तल पर प्रदर्शनी कक्ष है, जहां पर झांकियों के माध्यम से देवी देवताओं की अलग अलग लीलाओं को बड़ी सुंदरता के साथ दर्शाया गया है। इस मंदिर की दीवारों पर संपूर्ण रामचरितमानस लिखी हुई है। इस मंदिर की दीवारों पर रामचरितमानस के अलग अलग कांडों को लिखा हुआ है। तो यह है बनारस का तुलसीमानस मंदिर। अब दर्शन करते हैं न्यू विश्वनाथ टेंपल के, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर स्थित है। यह मंदिर भव्य है और इसका सपना पंडित मदन मोहन मालवीय ने देखा था और बिरला परिवार ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और सन 1966 में यह मंदिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर बनके तैयार हुआ। यह मंदिर दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है और इसके शिखर की ऊंचाई 250 फीट है। इस मंदिर की काफी मान्यता है और यहाँ पर अनेकों श्रद्धालु भगवान शिव पे जल अर्पण करने आते हैं। इस मंदिर में दो तल हैं। निचले तल पर भगवान शिव का शिवलिंग है और ऊपरी तल पर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यह है मंदिर का गर्भगृह जहां पर शिवलिंग है और ये है महादेव का शिवलिंग और ये है मंदिर में नंदी महाराज और नंदी महाराज के कान में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं और इच्छाएं बता रहे हैं। इस मंदिर की दीवारों पर संपूर्ण भगवद गीता का सार लिखा हुआ है और मंदिर की दीवारों पर चित्रों के माध्यम से भगवद गीता को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि यह मंदिर कितना भव्य एवं सुंदर है और मंदिर परिसर में ही सुंदर बाग बगीचे भी हैं और यहाँ पर बैठने की जगह भी बना रखी है। तो यह है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित न्यू विश्वनाथ टेंपल। अब करते हैं दुर्गा माता मंदिर के दर्शन। बनारस में दुर्गा माता मंदिर, तुलसीमानस मंदिर और संकट मोचन मंदिर, ये तीनों मंदिर काफी पास पास हैं। इनके बीच की दूरी पैदल तय करी जा सकती है। दुर्गा माता मंदिर पे पूरा लाल पेंट किया हुआ है। ये मंदिर दूर से ही दिखता है और ये अत्यंत सुंदर है। ये मंदिर समर्पित है माँ दुर्गा को। इस मंदिर का निर्माण बंगाल की महारानी ने कराया था और माना जाता है कि यहाँ पर माँ दुर्गा की जो मूर्ति है वो इस स्थान पर स्वयं प्रकट हुई थी। मंदिर में बाकी देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है और यहाँ पर है राधा कृष्ण जी का मंदिर। मंदिर के पास में ही है जल से भरा एक कुंड जिसे दुर्गा कुंड के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का काफी महत्व है और नवदुर्गों और दुर्गा पूजा के समय यहाँ पर काफी भीड़ रहती है। दुर्गा माता मंदिर और तुलसीमानस मंदिर के पास में है संकट मोचन मंदिर। इस मंदिर का काफी महत्व है और ये मंदिर समर्पित है हनुमान जी को। मंदिर परिसर के अंदर 600 वर्ष पुराना वन भी है और माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी ने इसी वन में दर्शन दिए थे और उसके बाद हनुमान जी इस स्थान पर बस गए।
मंदिर परिसर के अंदर कैमरा, मोबाइल फोन आदि ले जाना वर्जित है। मंदिर परिसर अंदर से काफी सुंदर है और यहाँ पर हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। माना जाता है कि हनुमान जी यहाँ पर अपने भक्तों के सारे कष्टों का निवारण करते हैं। तो दोस्तों, ये हैं बनारस के कुछ प्रमुख मंदिर जिनके दर्शन हमने अपनी बनारस की यात्रा में करे थे। बनारस में इसके अलावा और भी कई सारे मंदिर हैं जिनका की काफी महत्व है, जैसे कि माँ अन्नपूर्णा मंदिर, संकटा मंदिर, मृत्युंजय महादेव मंदिर आदि। अगर इन मंदिरों के अलावा और भी कुछ मंदिर हैं जो इस वीडियो में मिस हो गए हैं तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप उनका नाम कमेंट्स में अवश्य लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने अपने चैनल पर और भी कई सारे वीडियोस डाल रखे हैं, जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, चारधाम यात्रा, द्वादश ज्योतिर्लिंग, ऋषिकेश इत्यादि के ऊपर, तो आप उन्हें भी हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें।